Assalamu alaikum viewers, welcome back to another video. Today we are going to complete our chapter number 3 from class 9th biology, which is biodiversity. In this video we will cover two main topics, binomial nomenclature and conservation of biodiversity. So let's start. Now what is binomial nomenclature? कि binomial nomenclature क्या है? असल में तो ये जो word है जैसे कि by means two, nomial means name देना और nomenclature naming system, कि name देने का system, binomial यानी कि दो नाम और naming system यानी ऐसा नाम देने का system जिसमें हम हमारे organism को जो है दो मतलब terms होती हैं एक name के अंदर. जैसे हमने ह्यूमन का नाम पढ़ा था होमो सेपियंस, दो टर्म्स थी, ठीक है. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमारे जो कैरोलस लीनियस यानी कार्ल लीनियस भी कहा जाता है, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, उन्होंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था. जितने भी हमारे जो जीनस हैं, स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स की, इन सब को नेम देना, किन रूल्स के तहत देना, किन प्रिंसिपल्स के तहत देना, उनको जो है एक कम्प्लीट यूनिफॉर्म सिस्टम के अंदर जो है वो अरेंज किया था. इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को वो करने वाले थे कार्ल लीनियस, ठीक है. उसके बाद जो है, अच्छा जी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनाने का मकसद ये कि साइंटिफिक नेम्स क्यों दिए जा रहे हैं. भाई हम नॉर्मली किसी भी चीज़ का अपना एक नाम है, हम इंग्लिश में भी उसका नाम है, उर्दू में भी उसका नाम है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में नेम तो हैं हर चीज़ के, लेकिन सब के डिफरेंट नेम हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर. तो साइंटिफिक नेम देने का मेन जो मकसद है वो ये है कि एक चीज़ का प्रॉपर एक ही नाम हो जो तमाम लैंग्वेज जिसके लोग जो हैं, स्पीकर्स जो हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर सकें. यानी कॉमन नेम तो होता ही होता है हर किसी चीज़ का, ठीक है, लेकिन उस एक वाहिद चीज़ को, उस एक स्पीशी को जो है वो एक नेम दिया जाए, साइंटिफिक नेम दिया जाए जो तमाम लोग, पूरी दुनिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग जो हैं, उस एक नेम को ही एक्सेप्ट कर लें ताकि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए, ठीक है. जैसे कि कॉमन नेम्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं एक ही चीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ऑफ अनियन, अब इंग्लिश में कह रहे हैं हम अनियन, ठीक है, उर्दू में उसको कहते हैं प्याज, कुछ दूसरे रीजन्स में अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से बात करें उसको गांदा कहा जाता है, उसको बसर कहा जाता है, मतलब कि डिफरेंट नेम्स यूज़ हो रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए. यानी अनियन के लिए डिफरेंट आपको इधर ही चार नेम दिख जाते हैं. अब इसके अलावा दूसरी और लैंग्वेजेस होंगी उसमें अनियन को कुछ और कहा जाता होगा, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम जो है वो दिया जाता है, ठीक है. मिसाल के तौर पे अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा, ठीक है, एलियम सीपा. अब ये एक कंप्लीट नेम है जो कि बेस करता है दो डिफरेंट टर्म्स पे, ठीक है. तो ये है असल में बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी एक ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीशी को एक ख़ास नाम जो है दे देना दो टर्म्स पे बेस करता हो. वो दो टर्म्स भी कौन सी होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ताकि उस ऑर्गेनिज्म को ईजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी जो है आसानी के साथ जो है उसकी पहचान हो जाए और उसकी स्टडी की जा सके, ठीक है. अगर यहाँ पाकिस्तान का कोई इंसान जो है बोले कि एलियम सीपा में ये खासियतें हैं, ये करेक्टरिस्टिक हैं, तो बाहर मुल्क का जो दूसरी लैंग्वेज का इंसान है, इंग्लिश जो है मैन है, वो जो है उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें. अब यहाँ का कोई इंसान जाए, वो जाके बाहर मुल्क में बात करे प्याज के बारे में और सामने वाले को पता ही ना हो कि भाई प्याज क्या है, ठीक है. तो इसलिए जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो दिए जाते हैं, ताकि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशी, प्लांट हो जाए, एनिमल हो, या दूसरे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है. तो अब आगे जो है वो ये कह रहा है कि इसकी वजह से बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो हमारा सिस्टम है, इसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर होती हैं, ठीक है. जैसे अक्सर कोई ना कोई कन्फ्यूजन जो है कॉमन नेम की वजह से पैदा हो जाती है, जो अभी हमने प्याज वाली डिस्कस की कि डिफरेंट जो है चीज़ों के डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है. और इसी वजह से या जो है एक ही सिंगल चीज़ के जो है कॉमन नेम्स जो हैं बहुत सारे मौजूद होते हैं, ये कह सकते हैं. तो इसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं. तो इनको अवॉइड करने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो बनाया गया है
बायोलॉजिस्ट की तरफ से, ठीक है। एक सिस्टम नोमेनक्लेचर का, यानी नाम देने का सिस्टम जो है, ठीक है, उसके ज़रिए उसके अंदर क्या होता है कि तमाम स्पीशीज जो होती हैं एनिमल की, प्लांट की या किसी और की, उन सबको एक नाम दिया जाता है जो कि दो टर्म्स पे बेस करता है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी, वो बताती है उसका जीनस, वो उसके जीनस से बिलोंग करती है, जबकि जो सेकेंड टर्म होती है हमारे साइंटिफिक नेम की, वो उसका स्पीशी ही होती है, यानी जो स्पीशीज है वही उसके नेम में उसका सेकेंड टर्म बन जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स दिए हुए हैं प्लांट और एनिमल्स के, यहाँ पे उनके बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं। प्लांट है अनियन प्लांट, ठीक है। अब उसका बायोलॉजिकल नेम है एलियम सीपा। आप देखें दो टर्म है, एक जो फर्स्ट टर्म होगी वो उसका जीनस है, ठीक है, जो जेनरा हमने ग्रुप पढ़ा था कि सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं वो मिलके एक ग्रुप बना देते हैं उनका, तो वो उसका जीनस होता है, ठीक है। तो यानी अनियन के साथ अनियन के जैसी खसूसियात रखने वाली जो दूसरी स्पीशीज़ होंगी उनको जीनस एलियम में रखा गया है, और उन सब स्पीशीज़ का जो फर्स्ट टर्म होगा वो सेम होगा जो जीनस से बिलोंग करेगा एलियम, ठीक है, लेकिन स्पीशी चेंज होगी। समझ में आ रही है अब आपको बात? और दो टर्म्स पे एक नेम होगा। इसी तरीके से मैंगो प्लांट है, उसका जो जीनस फर्स्ट टर्म होगा उसके जीनस पे बेस, यानी मैग्नीफेरा उसका जीनस है और इंडिका उसकी स्पीशीज है, तो कंप्लीट नेम मैग्नीफेरा इंडिका। और एल डॉट ये साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसने सबसे पहले इस स्पीशी को जो है बारे में डिस्क्राइब किया, उसका फर्स्ट लेटर लग जाता है, ठीक है। नीम प्लांट है आज़ादी, रेक्टा इंडिका। इसी तरीके से एनिमल्स, हमने फ्रॉग पढ़ा था उसका नाम है राना टिग्रीना, राना उसका जीनस हो गया, टिग्रीना उसकी स्पीशीज़ हो गई। कैट है फेलिस कैटस। अब कैट्स जो हैं बहुत सारी टाइप्स की होंगी, बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी, लेकिन सबका जो फर्स्ट नेम होगा वो फेलिस ही होगा, क्योंकि वो सबकी सब एक ही जीनस से बिलोंग करेंगी, लेकिन स्पीशीज़ चेंज होती जाएगी। कैटस, अब फेलिस कैटस वो स्पीशी जो हमारे यहाँ पर नॉर्मली जो है कैट्स हम घरों में घूमते हुए जो ना देखते हैं ना, वो फेलिस कैटस कैट कहलाती है, ठीक है। हाउस फ्लाई जो हम आम घरों में हमारी जो मक्खियाँ उड़ रही होती हैं उनका जो नाम है, साइंटिफिक नेम वो है मस्का डोमेस्टिका। मस्का उनका जीनस हो गया, डोमेस्टिका उनकी स्पीशीज़ हो गई, क्योंकि मक्खियाँ तो अलग अलग टाइप की होती हैं, शहद की मक्खी भी होती है, कोई बड़ी अलग से मैंगोज़ वाली ब्लू कलर की, ठीक है, वो भी मक्खी होती हैं। फैमिली मसीडी, इनकी अलग अलग मतलब फैमिलीज़ भी होती हैं, अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल नेम है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के। यानी कहने का मकसद ये है कि साइंटिफिक नेम्स जो हैं हम इसलिए देते हैं, इस पूरे आपके टॉपिक के अंदर बात रख याद रखने वाली यही है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के दो टर्म्स पे बेस करता है साइंटिफिक नेम। फर्स्ट वन उसके जीनस से बिलोंग करेगा, सेकंड वन उसकी स्पीशीज से बिलोंग करेगा, और इसलिए दिए जाते हैं ताकि इजीली ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर लें, सिंपल, ठीक है। अब कुछ जो है हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, यानी कि किन रूल्स के तहत जो है वो नाम दिया जाना होता है, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आपकी बुक में डिफ़ाइन किए हुए हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली यानी कंप्लीट जो है वर्ल्ड के अंदर हमारे तमाम साइंटिस्ट, तमाम बायोलॉजिस्ट जो हैं अडॉप्ट कर चुके हैं उन रूल्स को कि साइंटिफिक नेम जो है किस तरीके से एक स्पीशी का लिखा जाना चाहिए। जब भी आप जो है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या किसी प्रिंटर के ज़रिए या टाइपराइटर के ज़रिए जो है टाइप करते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को, तो वो लाजमी इटैलिसाइज्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। जब उसको प्रिंट किया जाए तो वो इटैलिक होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। होमो सेपियंस एक साइंटिफिक नेम है, इसको मैंने क्या किया है लिखते हुए इटैलिक कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप इसी नाम को हाथों से लिखेंगे किसी पेपर पर, कॉपी पर, हैंड रिटन होगा अगर यही नेम, साइंटिफिक नेम, तो हम क्या करेंगे, उसको इटैलिक तो कर नहीं सकते, तो हम उस नेम को अंडरलाइन कर देंगे कि उससे क्या ये पहचान हो जाएगी कि ये एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जब भी आप ये जो दो टर्म्स पे बेस करता हुआ नेम होता है, जो फर्स्ट वर्ड हमारा जीनस का होता है, जेनरिक होता है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जबकि जो सेकंड टर्म इसमें हमारी स्पीशीज़ है वो जो है कम्प्लीटली जो है स्मॉल लेटर्स में होगी, कैपिटलाइज नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, पहली दफ़ा लिखेंगे तो आप उसकी फुल फॉर्म ही लिखेंगे, जस्ट लाइक अगर मैं मिसाल है कोई अपना रिसर्च कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है रेड रोज़ के ऊपर। अब रेड रोज़ का साइंटिफिक नेम है रोज़ा इंडिका, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, अब जाहिर सी बात है जब मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँगी, बार बार रेड रोज़ का साइंटिफिक नेम इस्तेमाल कर रही हूँ, रोज़ा इंडिका दिस, रोज़ा इंडिका दैट, ठीक है, मैं डिफरेंट मतलब लाइन्स लिख रही हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ उसके बारे में, बार बार ये टर्म जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं क्या करूँगी लिखते हुए कि एक दो दफ़ा तो मैं उसका कंप्लीट नाम लिखूँगी रोज़ा इंडिका,
ठीक है, लेकिन जब बार बार वही वर्ड रिपीट होगा तो मैं क्या कर दूंगी, जो उसका जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल है हम उसको एब्रिविएशन में ले आएंगे और जो स्पीशीज़ है उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ईजी हो जाता है लिखने के अंदर भी। और क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि स्पीशी के बाद, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में ही देखा मैंगो प्लांट का जो साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट ये लिखा हुआ था, कभी कभी क्या होता है कि उसके स्पीशी का जो है ऑथर जो होता है, जिसने उस स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया होता है, बताया होता है, साइंटिफिक नेम दिया होता है जिस शख्स ने, जिस बायोलॉजिस्ट ने, उसके नाम का कैपिटल लेटर भी साथ में आपको लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी हम पढ़ रहे हैं बायोडायवर्सिटी यानी वेरिएशन इन ऑर्गेनिज़म्स, वेरिएशन इन लाइफ, जो हमारी वर्ल्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं उन सबको कंजर्व करना, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना, यानी कि ख़त्म हो जाने से इस दुनिया से बचाना। मिसाल के तौर पर जैसे डायनासोर्स हैं, आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, वो दुनिया पे कहीं भी मौजूद नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो साइंटिस्ट को लगता है कि एक्सटिंक्शन के करीब हैं, ये इंडेंजर्ड हो चुके हैं यानी ख़तरे की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उनको कंजर्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। आपको पता है, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल होता है दुनिया के जिसके पास तमाम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कह लें, फ़ीचर्स कह लें, मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान में लातदाद लैंडस्केप्स, मनाजर जो हैं वो मौजूद हैं। जियोग्राफी के लिहाज से आप देखें तो आपको प्लेन्स, मैदानी इलाके भी मिलेंगे हमारे मुल्क में, आपको डेजर्ट सहरा भी मिलते हैं, आपको जंगलात, हिल्स, प्लेचूज, माउंटेन्स, कोस्टल एरियाज़, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ यानी साहिली जो इलाके होते हैं समंदर के किनारे के, अरेबियन सी के इर्द गिर्द, ठीक है, माउंटेन्स आपको कराकरम रेंज मिलती है नॉर्दर्न पार्ट में पाकिस्तान के, यानी वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से जो है इन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है मतलब हैबिटाट्स हैं, हैबिटाट यानी रहने की जगह हो गई ऑर्गेनिज़म्स की। जाहिर सी बात है, अगर डिफरेंट हैबिटाट्स हैं, डिफरेंट लैंडस्केप्स मौजूद हैं, तो अलग अलग टाइप के तकरीबन तमाम टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स यानी फाना और फ्लोरा भी हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी जो इनकी होगी वो रिच होगी, बहुत ज़्यादा होगी, यानी वेरिएशन हमारे मुल्क में तकरीबन जानवरों की और प्लांट्स की पाई जाएगी। राइट, क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम टाइप के हैबिटाट्स मौजूद हैं। क्लियर हो रही है बात? यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके रहने के लिए जो जंगलात में रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी मौजूद होंगे, जो सहरा में हैं, मैदान में हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, समंदर के पास समंदरी जानवर जो हैं वो भी। तो कह रहे हैं हमारे मुल्क के इर्द गिर्द, हमारे मुल्क में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी मौजूद है फ्लोरा और फाना की, यानी एनिमल्स और प्लांट्स की। ठीक है, आपको डिफरेंट लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, एक से एक खूबसूरत भड़कर मनाजिर जो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलता है, हमें कश्मीर में देखने को मिलता है, हमें गिलगित केपी के, आप कहीं भी चले जाएं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है आगे कह रहा है, हमारे मुल्क में तकरीबन जो है जितना भी लैंड एरिया है, जो खुश्की का इलाका है, उसमें 80% जो है ऐसे ही रीजन्स हैं जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड हैं, यानी कि खुश्क और जो है नीम खुश्क इलाके हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी की जो है कमी होती है, आप ये कह लें सहरा वगैरह जैसे कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे वो ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है कंट्री की हमारी मेनली बायोडायवर्सिटी जो है वो मौजूद है, यानी वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। अच्छा जी, आगे जो है वो ये कह रहा है, तकरीबन आखिरी के कुछ 2-3 डिकेड्स से, यानी 20-30 ईयर्स से जो है, डिकेड जो होता है 1 decade इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है, 2-3 डिकेड से क्या हो रहा है, अ नंबर ऑफ़ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ हैव बिकम थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड, यानी कि लातदाद जानवर और प्लांट की स्पीशीज़ जो हैं बहुत सारी थ्रेटन्ड यानी इंडेंजर्ड हो गई हैं। मैंने आपको बताया कि एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं, ख़त्म होने के करीब हैं, किस वजह से, मेनली ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट, कि या तो उनको उनका इस्तेमाल, उनका जो है शिकार जानवरों का कुछ का इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि वो जो है उनकी स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, इसी तरीके से लॉस ऑफ उनका नेचुरल हैबिटाट जो उनकी रहने की जगह है उसको ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप सोच के देखें, हम इंसान इस दुनिया पर मौजूद हैं, हमारी स्पीशी है होमो सेपियंस, ठीक है, अगर हमारे रहने की जगह जो है वो ख़त्म कर दी जाए, हमारे पास रहने की कोई जगह ना बचे, या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें डिस्ट्रॉय करती जाए, रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ह्यूमन डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इनडायरेक्टली क्या होगा, नस्लें ख़त्म होती जाएंगी,
ठीक है, और इंसान क्या होगा, एक ना एक दिन दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, एक्सप्लॉइट हो जाएगा और एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर भी जो इंडेंजर्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। किस वजह से होती हैं, क्या वजूहत होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को आप ख़त्म करते जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग यानी कि घास वगैरह जो है ज़्यादा चराई जा रही है, ठीक है, सॉइल इरोजन, ज़मीन की जो है वो ज़रखेज़ी ख़त्म की जा रही है, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, सेलाइनिटी, नमकियात, वाटर लॉजिंग, ये सब तमाम मेजर थ्रेट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारी कंट्री में जो अब रह गई हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें इसी तरीके से मुसलसल होती रहीं तो एक ना एक दिन जो स्पीशीज़ आज इंडेंजर्ड हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से कह रहा है, जब कंटीन्यूसली हम फॉरेस्ट का हैबिटेट जो है वो लॉस करते जाएंगे, जंगलात को ख़त्म करते जाएंगे, तो उसके अंदर रहने वाले जो जानवर और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर भी सीरियसली इम्प्लिकेशन होगी, असरात होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी नेशन के जो है कुदरती और एग्रीकल्चर इको सिस्टम्स भी जो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखें, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम फूड साइकिल पढ़ते हैं, हम वेब साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है, हम क्या हैं, हम सबके सब हर ऑर्गेनिज्म जो है इकोसिस्टम के अंदर एक मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर एक भी आप ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं तो उसका असर उससे रिलेटेड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लाजमी पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बायोडाइवर्सिटी पे लाजमी अटेंशन पे करनी चाहिए आपको जो है ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो इन डेंजर हैं उन्हें बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या है, मेनली बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, कंजर्वेशन सबसे आसान तरीका है केयरिंग का, स्पीशीज़ को सेव करने का जो भी हमारी ज़मीन पर डेंजर में है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, ठीक है। अब क्या है रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी अगर अब थोड़े से हम उन रीज़न को देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी ये वार्निंग दे दी है कि ग्लोबल इकोसिस्टम जो हमारे बड़े बड़े इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे जंगलात के इकोसिस्टम हो, मतलब जो भी आपका इकोसिस्टम है वो कोलैप्स होने के करीब है। कोलैप्स होने के करीब मतलब कि वो तबाह हो जाए, एक तरीके से बैठ जाए पूरा तरीके से, अगर बायोडाइवर्सिटी इसी तरीके से सेम रेट पर रिड्यूस होती जाएगी तो। देयरफॉर इसीलिए ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है टू कंजर्व लाइफ ऑन अर्थ, के जो ज़मीन पर जितनी भी लाइफ है, जितनी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म है उन्हें बचाया जाए, इन ऑर्डर टू मेक नेचर स्टेबल, ताकि हम अपनी कुदरत को जो है स्टेबल बना सकें, ठीक है। कुछ की जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो हाईलाइट किए हुए हैं, मेन जो रीजंस मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व करनी चाहिए उसके लिए, कि ह्यूमन इंसानों को लाजमी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इट्स बेनिफिट्स, इसके जो हमें ला तादाद जो है फ़ायदे हासिल होते हैं उनके लिए, मिसाल के तौर पे सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स विच आर एसेंशियल टू लिव आर लाइफ ऑन अर्थ, यानी हम अगर सिर्फ एक इंसान के तौर पे अगर सोच के देखें कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारे लिए पौधे ज़रूरी हैं, हमारा फूड, हमारा वेजिटेबल, हमारे लिए कुछ जानवर जिनका हम मीट जो है वो हमारे लिए फूड, जितने भी फूड रिसोर्स हमें प्लांट से, एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है, फिशेज़ हैं उनसे मिलता है, हमें उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपना ही नुकसान करेंगे, अपना नुकसान नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट का नुकसान करेंगे, एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी असर होगा उसका, ठीक है। तो इसके अलावा ये कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बूस्ट करती है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स, जितने ज़्यादा प्लांट्स, उतनी ज़्यादा फूड, उतना ज़्यादा जो है आपके ऑर्गेनिज़म में जो जो प्रॉब्लम्स को जो ऑर्गेनिज़म सॉर्ट आउट करते हैं वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी जहाँ पे तमाम स्पीशीज़ जो हैं इजीली सर्वाइव कर पाएँ एक उनके हैबिटेट के अंदर, इफ़ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया गया, सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बेलेंस्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली फूड चेन डिस्टर्ब होगी, फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बेलेंस हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगी नेचर, तो फिर इनडायरेक्टली असरात ह्यूमन पे आना ही आना है। आप ख़ुद देखें ना, इन चंद सालों के अंदर क्लाइमेट जो है कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है,
फ्लडिंग कितनी ज़्यादा होने लगी है, ग्लेशियर्स कितने ज़्यादा मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, ये इन्वायरमेंटल ये क्लाइमेटिक चेंज जो आ रहे हैं, ये आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो रहा है? ये इसकी मेन जो वजह है कि प्लांट्स आप ख़त्म कर रहे हैं, आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, आपका बायोडाइवर्सिटी पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो हमें हमारे साथ साथ, अपने साथ साथ, अपनी फैमिली के साथ साथ, हमें अपने इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका भी ख्याल रखना है। आप देखते होंगे आपको जो है पहले काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होंगे जो आपको पहले नज़र आते होंगे लेकिन अब नहीं नज़र आते, जस्ट लाइक फ्रॉग्स। फ्रॉग्स पहले कितने कॉमन होते थे लेकिन अब हमें वो देखने को ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्नेक कॉमन होते थे, अब हमें स्नेक देखने को नहीं मिलते। अब अगर स्नेक कम होता जा रहा है तो इसी का आप जो है रिज़ल्ट देखें, कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि छिपकलियाँ हमारी उतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका मेन वजह क्या है? क्योंकि हमने सांप कम कर दिए, क्योंकि छिपकली को खाने वाला कौन है? सांप, ठीक है। तो कोई ना कोई जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे। अच्छा, कह रहा है जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज़ लगाएंगे, एनिमल्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी सॉइल की जो है वो फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, सॉइल स्ट्रॉन्गर होगी, फिर जो है कम इरोजन होगी, यानी कि जरखेज़ी उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो बंजर नहीं होगी, उतना ही ज़्यादा जो है ड्राफ्ट, फ्लडिंग, ये सारी चीज़ें भी कम होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये कुछ ग्राफ, ये ग्राफ है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिपोर्ट है, ठीक है, टू डेटा द टू शो द बायोडाइवर्सिटी एट रिस्क, जिसमें ये पता चल रहा है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिस्क पर है। आप में इसको, आपको ये दिख रहा होगा कौन कौन से कैटेगरी के एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं इतने ज़्यादा रिस्क पर हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं हाईली एम्फीबियंस, के एम्फीबियंस बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, मैंने आपको फ्रॉग की एग्जांपल दी, फ्रॉग इज़ आल्सो एन एम्फीबियन, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो दोहरी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका कुछ पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो वाटर में गुजरता है और कुछ पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो लैंड पे, ठीक है। तो ये एम्फीबियंस हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैमल्स हैं वो भी ख़त्म होने के करीब हैं, ठीक है, बर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे जो डार्क आपको रेड कलर के शो हो रहे हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरे के करीब हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं। और जो हैं कुछ इंडेंजर्ड हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएंगे। कुछ जो हैं वल्नरेबल हैं, यानी कि वो इंडेंजर्ड होने के करीब हैं। देखें, ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म है, एक स्पीशी है, उसकी नॉर्मली मौजूद है, और जो है ना जब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, जब आप उसका शिकार करना करीब करते हैं तो वो वल्नरेबल हो जाती है, यानी कि इंडेंजर्ड होने के करीब होती है। और जैसे ही वो इंडेंजर्ड हो जाती है, ख़तरे के करीब हो जाती है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड देन इट विल एक्सटिंक्ट, और वो फिर ख़त्म हो जाती है कि दुनिया में फिर आपको नामुमकिन होता है उसकी कोई आपको स्पीशी मिल जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ था। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से हम बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जो एक आर्टिकल लिखा गया था 2009 के अंदर बायोडायवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज़ के नाम से, कि बायोडायवर्सिटी के जो मतलब मेन मेन इश्यूज़ कौन से हैं पाकिस्तान में, उससे हमें ये पता चला था प्राइमरी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, कि ये बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान BAP जो है इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, और कौन कौन से चैलेंजेस इसको फेस करने पड़े थे जो है वो कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर वन, कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इन्वायरमेंटल इशूज़ से रिलेटेड, कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में किस चीज़ की कमी हो रही है, किस चीज़ की ज़्यादती हो रही है, और किन चीज़ों की ज़्यादती की वजह से हमारे माहौल पे बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इनके बारे में अवेयरनेस ना होना, आगाह ना होना, ये भी मेन एक पार्ट है, ठीक है, डिसीजन मेकर्स का और सिविल सोसाइटी का, कि मतलब जितने भी अगर हमारे डिसीजन मेकर्स कौन हैं, हुक्मरान हैं, जो भी मतलब एक पोस्ट पे किसी ना किसी तरीके से मौजूद हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एनवायरनमेंट में क्या इशूज़ हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी हम लोग हैं, हमें भी नहीं पता कि एनवायरनमेंट में क्या इशूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो प्रॉब्लम आती है वो है वीक गवर्नेंस, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर डिसीजन तो वो बना भी लेते हैं जैसे तैसे करके, अगर वो डिसीजन ले लेते हैं, कोई पॉलिसी बना भी लेते हैं, तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उनको इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है कि वो होते 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 प्रॉब्लम जो है छोटे से बहुत बड़े लेवल पर पहुँच जाती है कि उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कोई इशू है उसको कॉन्सेप्चुअली जो है समझ पाना, इसकी भी एनेबिलिटी है। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी जो बेनिफिट्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टिंक्शन है, उनके दरमियान गैप है, उनके वो पता ही नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट बेनिफिट्स किन चीज़ों से हासिल हो रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उनके अंदर इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी नहीं है, उनको कोई भी जो है बढ़ावा नहीं देता है। जूलॉजी पढ़ के लोग किस फील्ड में जाना चाहिए, फॉरेस्ट्री क्या है, जू क्या है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट क्या है, लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, इन फील्ड्स के बारे में लोगों को पता नहीं है। और फिर इसके अलावा लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसेंटिव नहीं है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, कि वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी मोटिवेशन ही नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, कि मतलब ठीक है ना, अगर एनवायरनमेंट में जो है आलूदगी हो रही है, अगर लैंड पोल्यूशन हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रही है, लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते इसका इनडायरेक्टली असर उन्हीं पर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ फंडिंग, अब किसी भी काम करने के लिए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है आपको फ़ंड की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो वो भी जो है हमारे मुल्क में इसकी भी कमी है। तो ये कुछ चंद प्रॉब्लम्स हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से रोकती हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के दरमियान जो है आती हैं, किसकी वजह से, इंसान की वजह से, कि इंसान सबसे बड़ी जो है रुकावट बनता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। वो क्या क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN, ये एक इदारा है नेचर को कंजर्व करने का, ठीक है। इसने जो है रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 75% ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैज़ बिन लॉस्ट, कि जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हम करते हैं उनकी तकरीबन 75% डाइवर्सिटी, उनकी वेरिएशन जो है वो लॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा 75% ऑफ वर्ल्ड्स फिशरीज़ आर ओवर एक्सप्लॉयटेड, यानी कि 75% तक जितनी भी हमारी फिशेज इस दुनिया में हमारी वर्ल्ड पे मौजूद हैं उनको ओवर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, यानी हद से ज़्यादा, एक जो लिमिट होती है शिकार करने की उससे ज़्यादा किया जा रहा है। आप देखें एक फिशेज जो है, फिशेज हैं उनके एग देने का टाइम होता है, फिर उनके बेबी एग जो है मेच्योर होते हैं, उनसे बेबीज़ निकलते हैं, उनसे जो है स्मॉल फिशेज होती हैं, देन वो अडल्ट तक पहुँचती हैं, फिर वो दोबारा से एग दें, ये थोड़ा इसमें एक टाइम लगता है, ठीक है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर हम उस टाइम पीरियड से पहले ही मुसलसल मछलियों को ख़त्म करते जाएंगे, उनका शिकार करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है अगर वो एग भी नहीं दे पा रही, उन्हें इतना ही टाइम पीरियड नहीं मिल रहा कि वो मेच्योर हों, वो बड़े हों, अगर इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी इनडायरेक्टली वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा 1/3 जो है कोरल रीफ्स का वो भी थ्रेटन्ड है और एक्सटिंक्शन के करीब हो चुका है। कोरल रीफ्स जो हैं ऐसे समंदर के अंदर जगहें होती हैं, ऐसी जगहें जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती हैं, कोरल्स की होती हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैन इज़ द फैक्टर, इंसान ही वो वजह है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन में। नीचे यहाँ पे इसके बाद मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, उसके अंदर ह्यूमन जो है किस तरीके से रुकावट इंटरवेंट कर रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर, वो भी हम देखेंगे। क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर सिर्फ क्लाइमेट चेंज का ही प्रेशर नहीं है, अब बायोडाइवर्सिटी भी मेन है, ठीक है। हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रही है, यानी इनके रहने की, जानवरों के रहने की जगह ख़त्म हो रही है, पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेसिव स्पीशीज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा स्पीशीज़ का इस्तेमाल करना, ख़त्म करना, शिकार करना। इसके अलावा इन्वेसिव स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो उस जगह पर रहती नहीं हैं लेकिन बाहर से आके उस जगह पर रहने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है क्या में जंगल एक जगह से ख़त्म कर देंगे, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे जो रहने वाले जानवर होंगे वो ऑटोमेटिकली जाके दूसरी जगह रहना शुरू करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई और स्पीशीज़ मौजूद है। अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीशी हो जाएगी तो फूड भी कम हो जाएगा, वो आपस में लड़ेंगे भी, एक दूसरे को मारेंगे, खाएंगे भी, तो ये इन्वेसिव स्पीशीज़ होती हैं, इनकी वजह से, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज हो, हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, इन सब की वजह से ये मेन रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन के अंदर। ये जो प्रेशर होते हैं सब कुछ ह्यूमन इन्वेडिंग एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अभी, अच्छा सॉरी, इधर जो है पहले टेबल देख लेते हैं, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी। आप देखें ह्यूमन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, नंबर 1 अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन, व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, इट इज़ नथिंग बट आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहले लोग जो है गाँव देहात इन जगहों पर रहते थे, फिर उसके बाद वो शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। शहरों में क्या होता है,
درختوں کو، پودوں کو، ان سب کو ختم کر کے جو ریور کی جگہیں ہیں ان کو جو ہے کہیں اور کی طرف بینڈ آؤٹ کر کے، موڑ کر، ٹھیک ہے، باندھ لگا کے، یہ سب کچھ کر کے وہ اپنی زمینیں بناتے ہیں. ہم جو ہے ہمیں کیا نام ہے کاشتکاری کرنی ہوتی ہے، ایگریکلچر کرنی ہوتی ہے، اپنی جو ہے جانور ہیں ان کو چراہنا ہوتا ہے، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک الگ الگ جگہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب نیچرلی اگر کسی جگہ پر کوئی آرگنیزم رہ رہا ہے، انیمل رہ رہا ہے، اس کے گھر کو تباہ کر کے ہم اپنی چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ ہیومن پاپولیشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ اوور پاپولیشن ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے نئی نئی بلڈنگس چاہیے، نئی جگہ چاہیے. ظاہر سی بات ہے انسان ہوں گے تو پھر انہیں رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، اور اس کی وجہ سے بایوڈائیورسٹی افیکٹ ہو رہی ہے. سیکنڈ جو تھنگ ہے وہ ہے ڈیفورسٹیشن. ہم جنگلات کو ختم کرتے جا رہے ہیں، چاہے ہمیں پلانٹس جو ہم ٹریز اس لیے کیوں ختم کر رہے ہیں، مین ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں لکڑی چاہیے اور لکڑی سے ہمارے بہت سارے لائف سٹائلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم ان سے فوڈ ویجیٹیبل کے لیے، ہم اپنے ایگریکلچر کے لیے، اپنے رہنے کی جگہ کے لیے آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج سے 10 سال پہلے جس جگہ پہ جنگلات اور مطلب آپ کو نظر آتے تھے، آج ان جگہوں کے اوپر جو ہے نئے نئے گھر بنے ہوئے ہیں، نئی نئی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ڈیفورسٹیشن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی ختم ہو رہی ہے، پلانٹ لائف ڈسٹروائے ہو رہی ہے، بارشیں کم ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یہ بھی بایو ڈائیورسٹی افیکٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہیومن جو ہے پولیوشن کرتا ہے، اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ، یعنی کہ آپ کا جو اتنی زیادہ گرمی جو آہستہ آہستہ موسم کے اندر بڑھتی جا رہی ہے ہماری ارتھ کے اوپر اتنی زیادہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی بایو ڈائیورسٹی افیکٹ ہو رہی ہے. پھر ہیومن ایکٹیویٹیز، اوور ہنٹنگ، حد سے زیادہ کسی چیز کا شکار کرنا، ان کو پکڑنا، ایدھر فار سیلنگ پرپز اور فار ایٹنگ پرپز اور فار انٹرٹینمنٹ، یہ اوور ہنٹنگ جو کی جاتی ہے، یعنی کہ اینیملس کو جو ہے وائلڈ اینیملس کو کل کیا جاتا ہے، اس سے بھی بایو ڈائیورسٹی افیکٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک پائی چارٹ میں بھی دکھایا ہوا ہے، شو کیا گیا تھا کہ 39% جو ہے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے کی وجہ سے، مطلب اینیمل کیوں ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، کہ ان کا جو ہے گھر تباہ کر دیا گیا ہے. 23% جو ہے کہ ان کی ہنٹنگ کی جا رہی ہے یا جو ہے انٹینشلی جو ہے ان کو کل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انویسیو اسپیشیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں، کہ ایک جگہ سے مطلب آپ نے ایک آلریڈی جس جگہ پہ بکریاں پل رہی تھیں وہاں پہ آپ کوئی نئی جو ہے اسپیشی لے کر آ گئے ہیں، اس کو بھی لا کے وہاں پہ جو ہے پالنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ 2% دوسری کازز بھی ہیں جو مینلی اینیمل ایکسٹنکشن کی طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے تھا کہ بایو ڈائیورسٹی کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آگے ڈیفورسٹیشن، جو ہمارا مین فیکٹر جو انسان کا ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کو بھی تھوڑا سا ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفورسٹیشن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زمین، ہمارا جو زمین ہے، ہمارا جو پلانٹ ہے، ارتھ ہے، اس کا جو لینڈ ایریا جو ہے ہمارا، مطلب جتنا بھی زمینی علاقہ ہے، اس میں سے 31% فارسٹ موجود ہیں، ٹھیک ہے. دے پروڈیوس وائٹل آکسیجن. آپ کو پتہ ہے ہمیں جو آکسیجن ملتی ہے وہ آٹومیٹکلی فارسٹ سے ملتی ہے، کیونکہ پلانٹس آکسیجن جو ہے ایکزیل آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے لوگوں کو ہوم پرووائڈ کرتا ہے فار پیپل اینڈ وائلڈ لائف. بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے جنگلات گھر ہیں، بہت ساری وائلڈ لائف کے لیے ان کے ہیبیٹیٹ کے طور پہ ہیں، ٹھیک ہے. مینی آف دا ورلڈز موسٹ تھریٹنڈ انڈینجرڈ اینیملس لیو ان فارسٹ. زیادہ تر جو لوگ مطلب جانور جو ہیں خطرے کی طرف مطلب جا رہے ہیں، ایکسٹنکشن کی طرف جا رہے ہیں، انڈینجرڈ ہو چکے ہیں، وہ فارسٹ میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیفورسٹیشن ہی ہو رہی ہے آج کل. اسی کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، سوئل ایروژن، تقریباً تمام فیکٹرز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی ڈیپینڈ ہیں ڈیفورسٹیشن کے اوپر، ٹھیک ہے. اینڈ بلینز آف پیپل ریلائی آن اٹس بینیفٹ. اور بہت سارے ہم جو ہے بینیفٹس بھی اٹھاتے ہیں فارسٹ سے، اور اگر ہم فارسٹ ختم کر دیں گے ان جانوروں کے لیے بھی مصیبت بننی ہے، اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی اثر ہوگا، ٹھیک ہے. تو آگے کہہ رہے ہیں فارسٹ آفر فوڈ، فریش ایئر، کلوتھنگ، میڈیسن اینڈ شیلٹر. اتنے سارے ہمیں بینیفٹس چاہئیں اس سے، لیکن ہم اس کو ختم کیے جا رہے ہیں، اور نئے جنگلات ہم لگا نہیں رہے ہیں، نئے ہم جو ہے پودے اگا نہیں رہے ہیں. چلیں ایک تو چیز ہو کہ آپ ڈیفورسٹیشن کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جگہوں پہ آپ فارسٹیشن بھی کر رہے ہیں. فارسٹ جو ہیں وہ کرٹیکل رول پلے کرتے ہیں ریڈیوسنگ کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ کو جو ہے کم کرنے کے اندر، بیکاز دے ایکٹ ایز اے کاربن سنک. کیوں؟ کیونکہ وہ کاربن کے سنک کے طور پہ، سنک کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ ہم وہ چیز ڈالتے ہیں، جیسے ہمارے گھر کا جو ہے کچن کا سنک ہوتا ہے، اس میں وہ سنک کس لیے؟ برتن دھونے کے لیے، اس میں ہم برتن ڈالتے ہیں. تو اسی طریقے سے فارسٹ جو ہے کاربن سنک کے طور پہ کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پلانٹس جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں، انہیں نیڈ ہوتی ہے فار فوٹو سینتھسس، ٹھیک ہے. تو یہ مینلی جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہماری جو ہے کلائمیٹ سے ابزارب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر جو ہے فارسٹ ختم ہوتے جائیں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ فریلی ایٹموسفیئر کے اندر موجود ہوگی، تو اس سے زیادہ، بہت زیادہ کلائمیٹک پیٹرنس کے اندر چینج آئیں گی، گلوبل وارمنگ اور زیادہ بڑھتی جائے گی.
लेकिन मैन जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है नेचुरल ब्यूटी को, इन फॉरेस्ट को कट करते लिए करते जा रहा है अपने सेक के लिए, अपने कंफर्ट के लिए. सो डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन, फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दरख्तों को काटना, फॉरेस्ट से एक नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं. ये देखें, जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं. सही, आप देखते होंगे अक्सर बेशतर बहुत ज़्यादा ही एक्टिविटी बढ़ गई है. ठीक है, तो इसके जो है कॉजेज़ भी उसी तरीके के हैं. क्या कॉजेज़ हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कि डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है माइनिंग के लिए, पेपर मेकिंग के लिए, अर्बनाइजेशन शहर वगैरह बिल्डिंग्स बनाने के लिए टिम्बर लिया जा रहा है, एक ख़ास टाइप किस्म की लकड़ी होती है, रोड बनाने के लिए, एग्रीकल्चर अपना ज़रात बढ़ाने के लिए, जानवरों को पालने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डिफॉरेस्टेशन की जा रही है. क्यों? क्योंकि हमें लैंड चाहिए, इन सब पर्पज़ के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन के ऊपर क्या है, जंगल बने हुए हैं. अगर जंगल ख़त्म करेंगे तो ज़मीन मिलेगी. तो ये इसलिए ये कॉजेज़ हैं, और कुछ इफ़ेक्ट्स दिखा रहे हैं. फिर इसके असरात क्या हो रहे हैं, इसकी वजह से ग्रेट लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब कुछ बढ़ जाएंगी तो हमारे क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है हमारी ज़मीन का, बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से समंदर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, और जिसकी वजह से फ्लड भी आ रहे हैं. आस जो है हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद एक ना एक जो है फ्लड आ ही जाता है. ठीक है, आपने रिसेंटली देखा होगा गिलगित और केपीके के अंदर भी जो है फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेल्ट आउट होना स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट का. ये तमाम रीज़न्स जो हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है वाइल्ड लाइफ का. ठीक है, इट इज़ द रीज़न ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वाइल्ड लाइफ हमारी ख़त्म होती जा रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, कम बारिशें होती हैं, क्योंकि प्लांट में से ट्रांसपायरेशन ही नहीं हो रही है. प्लांट्स होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी और तभी रेनफॉल होगी. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है. ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है. जी, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि ख़तरे में हैं और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी कुछ चीज़ों की वजह से, अमल की वजह से, चाहे एंटरटेनमेंट, शिकार, हंट वगैरह करना हो, खाने के लिए हो, या एनिमल्स क्या हो गए, एंडेंजर्ड हो गए, यानी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन की तरफ है, मैंने आपको बताया. और कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि श्योरिटी है कि ऐसी अब आपको कोई इंडिविजुअल उस स्पीशी का नहीं मिलेगा अपने इकोसिस्टम के अंदर. कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे शो करवाई हुई हैं जो अब जो है हमारी ज़मीन से ख़त्म हो चुकी हैं. सॉरी, इनडेंजर्ड हैं जो ख़त्म होने के करीब हैं. ठीक है, ग्रीन सी टर्टल ये बहुत कम हो गए, बहुत रेयर केसेस में मिलता है. स्नो लेपर्ड बहुत ज़्यादा, कोई एक आध हमें कोई देखने को मिल जाए हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, बहुत मुश्किल है. ये एशियन ब्लैक बियर, इंडस रिवर में जो हमारी डॉल्फिन थी वो ख़त्म होती जा रही है, मार्को शीप पिल, ये तमाम जो है हमारे, हमारा मार्खोर. ठीक है, ये सब कुछ जो है हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान के तमाम जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं कुछ. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ पे आपका एंड होता है. ठीक है, क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किया. सो थैंक यू, एंड आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक जो है ईजी लगे हों और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो. थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर विच विल बी चैप्टर नंबर 4. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.